नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रो मा किस तारा कृष्ण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो मा। जी आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, करिए सीधी बात, करिए, जानिए अपने भविष्य के बारे में। मगर उससे पहले उन बच्चों को हार्दिक शुभकामना जिनका आज जन्मदिन है। साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देखते हैं स्क्रीन से संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है, यानी कि जो हमारे त्वचा पे जो रोग हो जाते हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, कौन सा करा जाए खास उपाय, कौन से ग्रह इसके कारण है, सब बताएंगे। मगर राशियों के अनुसार आज का दिन आपका कैसा रहेगा चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल आज ही निकाल लें तो अच्छा रहेगा। और आज की जो समस्या विवाद कल पर ना छोड़े तो भी अच्छा रहेगा। धन का व्यय ना करें, क्योंकि आज के लिए आपका जो खास उपाय बन रहा है वो ये है कि महालक्ष्मी जी को आपने जो कौड़ी है उसको हल्दी में रंगने के बाद आपने जो है 6 की संख्या में अपने मंदिर में चढ़ाना आज के दिन को उत्तम बनाता है। हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, उधार दिए गए पैसे वापस मिलने की संभावना यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर आदि में वृद्धि होगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि नियंत्रण जो खोएंगे तो कोई ना कोई विवाद हो सकता है। आज का आपका खास उपाय यह है कि मिश्री का सेवन करना आज के दिन को उत्तम बनाता है। हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए दिन कहता है कि भाग्य को मजबूत समर्थन प्राप्त होगा। आज आप कम समय में लाभ की योजना भी बना लेंगे, बड़ों का दिल ना दुखाएं, यही आज आपका जो है खास उपाय है। और साथ ही आज जो है पिता के चरण छूके कहीं भी जाएंगे तो आज सारे काम आपके बन जाएंगे। हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, भाई बंधु से विवाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ठीक है, विवाद होगा मगर ठीक रहेगा। आज किसी काम को शुरू करने में शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मांसाहार से बचें, क्योंकि आज का जो है खास उपाय आपके लिए यह है कि नॉनवेज ना खाएं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, किसी को उधार दिया है तो उसका हिसाब किताब लिखना शुरू कर दीजिए। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत उत्तम होगी। घर आए व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें। जी हाँ, आज आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, ज्यादातर स्त्रियां आती हैं, तो आप जो है उनको भोजन कराइए, कुछ भी आपने उपहार स्वरूप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन सकती है। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है, आज अपने घरेलू परेशानियां दूर करने का दिन है। जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में व्यस्त रहेंगे, धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होंगे और साथ ही धैर्य ना खोएं। आज आपका खास उपाय यह है कि आज जो है पीपल वृक्ष पे आपने मीठा जल चढ़ाना है, साथ ही आपने चमेली के तेल का दीपक जलाना आज के दिन को बेहतर बना देता है। कॉलर से जुड़ जाते, कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, जय महादेव। जी बताइए। 27 अगस्त 1990। और समय बताइए। रात के 2 बजे। जी सवाल पूछिए सुमित जी। मैडम बताइए, मेरी सरकारी जॉब लग पाएगी या नहीं, और लग पाएगी तो कब तक लग पाएगी? चलिए यहाँ बताते हैं सरकारी जॉब के लिए। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, सूर्य आपकी कुंडली में 9 डिग्री होके वक्री होके बैठा है, तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ कह सकते हैं कि बहुत कम चांसेस है। मगर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के तो जॉब के यहाँ पे योग हैं, और साथ ही जो है प्राइवेट जॉब के भी योग है। सूर्य जो है आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के हैं, तो जाहिर सी बात है यही चीज दिखाई देती है कि आपको जो है शुक्र को प्रभावशाली बनाना है अपना खुद का कार्य प्राइवेट जॉब के लिए। यही शुक्र जो है आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा और अच्छा भी रहेगा सबसे। और एक चीज और है,
कि आपकी कुंडली में यदि हम ये देखते हैं कि दशा कौन सी चल रही है, तो दशाओं के अनुसार इस समय जो आपकी दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। तो शनि देव का यानी पूजा आराधना के साथ साथ शनि के नाम का दान पुण्य करा करें, क्योंकि तुला राशि पे कहीं ना कहीं जो शनि का प्रभाव है वो स्वास्थ्य पे भी असर दिखाई दे रहा है, आपके बनते हुए जो कार्य है उसमें भी अड़चन दिखाई दे रहे। तो शनि के नाम का दान पुण्य करना आपके लिए आज के दिन को भी बेहतर बनाएगा और आने वाले समय को भी बेहतर बनाएगा। ये करके देखिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हर हर महादेव। माता हर हर महादेव। दिवाली की बहुत सारी खूब शुभकामनाएं जी। विशाल जी, आपको भी, आपके परिवार को, सभी को जो है हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। थैंक यू माता जी। मेरी जन्मदिन दिनांक है 7/12/75। और समय बताइए। सुबह 5 बजे का है जी। सवाल पूछिए। मेरे को सब काम सामने दिखते हैं, ऐसा लगता है हो गए हैं, लेकिन हर चीज में दूर दूर होता जा रहा है। और दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो त्योहारों में जो कलश स्थापित करते हैं उसके ऊपर जो श्रीफल स्थापित करते हैं उसका क्या करना चाहिए? कलश के ऊपर क्या चीज? श्रीफल जो अपन स्थापित करते हैं, नारियल। नारियल, नारियल। हाँ जी, आपने जो स्थापित किया है उसके लिए मैं बता दूं, उसको जो है आप अगर अभी किया है तो वैसे तो 41 दिन तक रखते हैं, उसके बाद आपने किसी भी मंदिर में जाके रख के आना होता है या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करना होता है। कभी कभी जो है साल भर तक रखते हैं, जिस तारीख से आपने पूजा आराधना जिस महीने में करवाई है उस तारीख से लेके अगली तारीख तक रखते हैं। अगर उसके अंदर जल है, जल रखा हुआ है, तो जल को तो जो है आपने किसी पेड़ पे डाल देना है, ज्यादातर पीपल के वृक्ष में डालना अच्छा रहता है। जल को थोड़ा सा छिड़किए, उसके बाद उसे पीपल वृक्ष में डाल दीजिए। इससे जो है आपके जो है पूजा वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी लगती भी हैं। आपकी मकर राशि है जिसमें जो है शनि की टेढ़ी दृष्टि है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके जो है नशीली चीजें, शराब वगैरह, इन सब चीजों से दूर रहिएगा। किसी मजदूर का हक मत मारिएगा, क्योंकि शनि की जब टेढ़ी दृष्टि पड़ती है तो काम काज पे असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, शनिदेव के नाम का दान पूर्ण करना, अपाहिजों को भोजन खिलाना आपके कार्य को और ज्यादा प्रगति देगी, और जो उपाय बताया आप करिए। जय महादेव। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो उपेंद्र जी, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हर हर महादेव। माता जी आप कैसी हैं? बस ठीक है। खुशबू जी आप बताइए। मैम मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1987, 27 जून 1987। और समय बताइए। 5:45 शाम के जी। सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है मैम, मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा या कब लगेगा? मैम मैं बहुत परेशान हूँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा है। आपने कहीं अप्लाई किया है? मैम बस अप्लाई कर रही हूँ, ट्राई बहुत कर रही हूँ। बता देते हैं, एक तो जो है यहाँ पर जो है सूर्य आपकी कुंडली में 11 डिग्री होके बैठे हैं और सूर्य की राशि दशम भाव में है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूर्य देव की पूजा आराधना के साथ साथ कहने को होता है कि छठ की जो पूजा होती है सिर्फ बिहार के लोग या यूपी के लोग करते हैं, मगर नहीं, उस दिन जो है सूर्य की पूजा आपके जीवन में और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उस दिन आप जो मन्नत मांगेंगे, उस दिन जो सूर्य की जो पूजा करेंगे, वो जो है आपने जो बहुत समय से जो पूजा करते आ रहे हैं उस पूजा में एक दिन की पूजा भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। मगर यहाँ पर आप तांबे के लोटे में अपने जल चढ़ाना है, सूर्य देव को रोज चढ़ाना आपके सूर्य को प्रबल बनाता है। पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना, माणिक रत्न अगर पहनते हैं तो अच्छी रहेगा, अन्यथा जो है अपने राशि का अगर रतन पहन ले वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है उसको हम यहाँ देखते हैं बुध है, तो यहाँ पर आप जो है पन्ना पहन सकती हैं। बुध जो है और सूर्य का प्रभाव जो है एक ही रहता है, तो आप पन्ना पहन लीजिए जो आपके लिए बेहतर होगा। मंगल नीचे सो के बैठा है, तो इसलिए मसूर की दाल, लाल रंग की चीजें आपने मंगलवार को नहीं खानी है ना ही पहनना है। ये सारी चीजें आप करेंगे आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे। जय महादेव। तुला राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति क्या कहती है आपके लिए बता दें। आज किसी पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, धन संबंधी मामलों में कठिनाई की संभावना है, लोन किराया खरीदना बेचना हेतु अव्यवस्थता रहेगी, थोड़ा बिजी रहेंगे, वाहन तेज ना चलाएं अच्छा रहेगा। आज जो है आपने 6 जगह आपने चीनी की ढेर लगाने हैं पीपल वृक्ष के पास में, एकदम वृक्ष के पास यानी जड़ के पास नहीं, थोड़ी इसकी छाया जहां तक आती है वहां पे आपने 6 जगह जो है आपने थोड़ी थोड़ी चीनी रखना है, और उसके बाद महालक्ष्मी का नाम लेना है, उसके बाद आप देखिएगा आपकी जो है जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में सतर्क रहें, सामाजिक व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होगी,
किसी को पैसे उधार ना दें। आज जो है घर से जब बाहर निकलते हैं तो जो है आप रक्त चंदन यानी कि लाल रंग का जो रोली का जो तिलक है मस्तक पे लगाइएगा और साथ ही परफ्यूम लगा के निकलेंगे तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा का बोध होगा, अधिक व्यस्तता में अपनों से दूरी बनी रहेगी, क्रोध ना करें यही आज आपका खास उपाय है, मगर आज जो है हो सके तो जो है कांच के गिलास में ही जल पीना आज के दिन को उत्तम बना देता है, गुस्सा शांत रहेगा। हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कि आज वाणी संयम रखें, नवीन संबंधों से लाभ मिलेगा, निकट के व्यक्तियों के कारण आपको तनाव हो सकता है, अधिकारी वर्ग से कष्ट होगा, मांसाहार और मद्यपान यानी शराब और नॉनवेज से बचें यही उपाय है। हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों, काफी बार प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिले तो निराशा ना हो, क्योंकि निराश होंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप अपना आपा खोल सकते हैं। संतान पक्ष को समृद्ध होगा, संतान के कार्यों में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, मित्रों और प्रियजनों का सहयोग भी मिलेगा, भाई से विवाद ना करें क्योंकि भाई से विवाद करेंगे तो आपका मंगल थोड़े यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। और आज आपके लिए खास उपाय ये है कि आज जो है गाय को आपने चीनी के साथ में रोटी खिलाना आज के दिन आपकी लक्ष्मी योग बनाता है। हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, आसपास की चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है, कार्यस्थल पे स्थानांतरण एवं पदोन्नति होगी, नवीन संबंधों से लाभ भी होगा, तनाव लेने से बचें। और आज आपका खास उपाय यह है कि आज जो है घर में किसी भी एक कन्या को भोजन खिलाना आज के दिन को उत्तम बना देता है, महालक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बन सकती है। चलिए कॉलर का सिलसिला जारी हो चुका है। हेलो मीनू जी, हमारा स्वागत है आपका। मैडम मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई का नाम बताइए पहले। जी, भाई का नाम है गुरविंदर जी। अब डेट ऑफ बर्थ बताइए। कल मैडम उनका जन्मदिन है, 5/11/1973। और समय बताइए। 73 मैडम, 73। और समय बताइए। रात के 2 बजे चंडीगढ़ में जी। क्या पूछना चाहते हैं मैडम? ये पूछना है कि उनका आने वाला साल कैसा है और सेहत के लिए, बिजनेस के लिए, इनकी शादी के लिए हो जाएगी या नहीं, क्या उपाय करें हमारा। मीनू जी रात के 2 बजे बोला है? हाँ जी रात के 2 बजे जी। चलिए बता देते हैं, सबसे पहले तो कल उनका जन्मदिन है, अभी से ही हम उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं और साथ ही बताते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। यहाँ पे एक चीज बताते हैं आने वाले समय के लिए, यहाँ पर जो है जो मार्च तक का महीना थोड़ा सा इनके लिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का रहेगा, उसके बाद का जो समय है इनके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि आने वाला समय जो इनके यानी कि राशि का स्वामी है शनि है, वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगा, इनके कुछ कार्य में परिवर्तन होगा, ये अपना कोई खुद का कार्य भी करना चाहते हैं जो इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर भी रहेगा। तो अपने राशि के स्वामी शनि को थोड़ा सा इन्होंने प्रबल बनाना, शनि इनके लाभ ग्रह में बैठा हुआ है तो यहाँ पर नीली पहन ले, नीलम नहीं नीली पहनना जो इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लगन में यहाँ पर सिंह राशि संचार कर रही है, इसीलिए नीली रतन पहनना इनके लिए बेहतर होगा और शनि के नाम का दान पुण्य करना, शनि देव की पूजा आराधना करना इनके भाग्य को चमका सकता है। जय महादेव। हेलो रवि जी स्वागत है आपका। हर हर महादेव मैडम। हर हर महादेव मैम, मुझे जानना है मैम, मैंने 2013 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली थी और मैम पहले जन्म तिथि बताइए जी। मेरी जन्म तिथि है मैम 15/4/1994। और समय बताइए मैम। 6:50। ये दिन का है मैम? दिन शुक्रवार जी। बताइए सवाल पूछिए मैम। मैंने 2013 में पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली थी और मैम अब तक कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिली मैम, और गवर्नमेंट की भी तैयारी की है मैम, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर मतलब क्या हो सकता है मैम आगे फ्यूचर में? चलिए मैं बता देती हूँ, एक बात है कि सूर्य तो आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर अड़चन है, 70% जो है यहाँ पर बस चांसेस है, वो भी जो है पूरा नहीं हो पाएगा, क्यों? 1 डिग्री आपका सूर्य की डिग्री जो है 1 है और यहाँ पर शुक्र के साथ जो बैठे हैं आपके राशि के स्वामी के साथ में बैठे हैं, ये इशारा करते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ। और साथ ही यहाँ पर एक चीज और है, यदि आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है कहते हैं कि जो कर्म जो है हमारे भाग्य को बदल देता है, तो इसीलिए जो है आप सूर्यदेव की पूजा आराधना करना, पिता का आशीर्वाद लेना और साथ ही आपकी कुंडली में यहाँ पर पितृ दोष है तो उसकी जो है पूजा आराधना जरूर करवा लीजिए, अन्यथा जो है आप हमेशा मेहनत करते आपको लगता है हो जाएगा मगर हाथ से चला जाता है तो ये कष्ट होता रहेगा, ये करिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। सावित्री हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो हर हर महादेव। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ।
नाम बताइए। आलोक शुक्ला। और जन्म तिथि? 28/7/2008। और समय बताइए। प्रातः 8:45। जी सवाल पूछिए। मैम बड़ा जिद्दी है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बदमाशी बहुत करता है, और उसका भविष्य क्या है? मूल अंक नंबर 1 है और यहाँ पे लगन में देखते हैं सिंह राशि संचार कर रही है, और राशि की बात करते हैं तो ये जो है वृषभ राशि का है। थोड़ा चंचलपन जो शुक्र का जो प्रभाव के कारण है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे इस बच्चे के लिए कि इसको जो एक तो जो गुरु को प्रबल बनाना, पंचम भाव में यहाँ पे गुरु की राशि संचार कर रही है, गुरु के साथ में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है ये अभी आपको लग रहा है, मगर आने वाले समय में ये बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। इसको जो है इसकी जवान पे जो है केसर लगाया करे, जब मस्तक के बाद में केसर जो है जवान पे लगा दिया करें, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। और खाने में गुरुवार के दिन थोड़ा कुछ ना कुछ पीली चीजें इसको जरूर खिलाया करें, चाहे हल्दी डाल के जैसे मीठे चावल हो गए, केसर वाले चावल खिला दें, कुछ ना कुछ इसको मीठी चीजें खिलाएं। और साथ ही इसके हाथ से गाय को रोटी जब भी खिलाएं तो हल्दी से इसके नाम का पहला अक्षर लिख कर गाय को खिलाएं, इसके साथ जो पढ़ाई लिखाई में उत्तम रहेगा। जय महादेव। चलिए एक और कॉलर है, सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, जय महादेव। मैम जय महादेव। मैम मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना था कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं बहुत ट्राई करता हूँ मैम। जी जन्म तिथि बताइए। मैम 5/11/89। 5/11 1989 सॉरी मैम, फिर से एक बार फिर से बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैम 5/11/89 बताइए। मैम 6 शाम को। जी चलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बात की है, अगर मूल अंक देखते हैं तो नंबर 5 है, और साथ ही यहाँ पर 5 अंक जो हमारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की यहाँ बात है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। आज जिसने भी पूछा है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं यही बताती रही हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में नीचे सो के बैठे होने के कारण जो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है समस्या बनाता है। आप अपना खुद का कार्य कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर कम है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि अपने राशि के स्वामी को थोड़ा प्रबल बनाना है। आप मकर राशि के हैं, शनि के जो है पूजा आराधना के साथ साथ आप जो है अगर नीली पहन लें तो आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। हनुमान जी की पूजा आराधना करें। जय महादेव। भैया आज के उपाय के बारे में बात कर लें। आप ये देखते हैं बहुत जो है लोग जो है देखते हैं हमारे त्वचा में रोग हो जाता है, भाई क्यों क्यों होता है? त्वचा में जब रोग होता है ऐसे कौन से ग्रह हैं? त्वचा के जो रोग होते हैं वो केतु के दुष्प्रभाव से बढ़ते हैं, केतु है बुध है उसके प्रभाव से बढ़ते हैं। यदि त्वचा संबंधी कोई घाव ठीक नहीं हो रहा तो क्या करना है, तब ऐसे में जैसे कि कभी एक्जिमा हो जाता है, कोई ऐसे स्किन से संबंधित कोई समस्या हो जाती है, तब आपको करना है एक मिट्टी का आपने घड़ा लेना है या मिट्टी का कोई भी बर्तन जिसमें कुल्हड़ भी होता है, लंबे ग्लास होते हैं वो ले लीजिए, उसमें आपने बर्तन में पानी भरकर उसमें सोने की अंगूठी या कोई आभूषण जो भी है आप उसमें डाल दीजिए कुछ देर बाद। वैसे कोशिश करिए कि रात में डालिए, सुबह पी लीजिएगा। कुछ देर बाद उस पानी से अपने घाव को धोइएगा, और धोने के बाद अगर पी भी लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अंगूठी निकाल कर रख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अंगूठी भी पी जाए, ऐसा ना करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो उस पानी से अपने घाव को धोइए, उसके बाद वो थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। तथा किसी चौराहे पर बाकी जो बच जाता है पानी वो फेंक दीजिएगा। ऐसा लगातार करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके रोग जो है तुरंत सही हो जाएंगे। साथ ही सूर्य ग्रह और बुध ग्रह शुक्र का भी उपाय जरूर करा करें। जब आपकी कुंडली में अशुभ है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, तो शुक्र के लिए कपूर का दान करा करें, पानी में फिटकरी या कपूर डालकर स्नान करा करें, नमक का सेवन कम करा करें, ये सूर्य का हो गया। और रविवार के दिन नमक ना खाएं, उस दिन जो है सूर्य देव का व्रत पूजा आराधना करेंगे तो भी आपको स्किन से संबंधित जो समस्या वो दूर हो जाती है। बहनों बुआ किन्नर और पक्षियों की आपने सेवा करनी है, ये बुध का उपाय है। ये तीन चीजों को आप कर लेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। टिप्स की बात करते हैं, द्वार पर कभी भी कूड़ेदान या झाड़ू ना रखें, कुछ लोग होते हैं वहीं रख देते हैं, ना रखें, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं जो अच्छी चीजें आ रही हैं आपके घर में वो कहीं ना कहीं वापस लौट जाती है, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। भाई ये था आज का उपाय, आज का टिप्स, कल एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योतिष आचार्य किस तारा कृष्ण शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत, भगवान भोलेनाथ की रहे कृपा, मुझे दीजिए इजाजत, जय जय महादेव।